हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज के टाइम पर बच्चों या फिर फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब कोई चाहता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम अपने फैमिली मेंबर की लोकेशन की ट्रैकिंग कर सकें, जिससे कि कभी मुसीबत में हेल्प कर पाए। आज का वीडियो टोटली इसी टॉपिक पर होगा कि आप अपने बच्चों या फैमिली मेंबर की रियल टाइम की लोकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और आप सभी एक बात का ध्यान जरूर रखें कि यह वीडियो केवल सिक्योरिटी पर्पज से बनाई जा रही है, तो इसका मिसयूज ना करें। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप जिस फैमिली मेंबर की रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो, उसके फ़ोन के मैप के ऐप को ओपन कर लेना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद राइट अपर कॉर्नर में उस पर्सन की इमेज या नेम का लोगो दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना होता है, जैसा कि मैंने क्लिक कर लिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होकर आ जाता है। वहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन नज़र आता है, जिसको आपको क्लिक कर लेना होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको शेयर लोकेशन का एक ब्लू कलर का टैब दिखाई देता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आपको उस पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वहाँ पर कुछ नए ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको चूज करना होता है कि कब तक आप अपने फैमिली मेंबर के लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो। यहाँ पर जो आपको पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप प्लस माइनस बटन पर क्लिक करके सेट कर सकते हो कि आप कितने ड्यूरेशन तक अपने फैमिली मेंबर के लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होती रहे जब तक कि आप उसका फ़ोन लेकर के ट्रैकिंग को स्टॉप ना कर दो, तो आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। तो जैसे ही आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद नीचे आपको व्हाट्सएप या ईमेल या किसी प्लेटफॉर्म के हेल्प से अपने डिवाइस पर लोकेशन ट्रैकिंग का जो लिंक होता है सेंड कर लेना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब आप उस लिंक को अपने फ़ोन में ओपन करके अपने फैमिली मेंबर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।